आप सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण। केम छो, मजा मा छो? हमको इतनी ही गुजराती आती है बस, इससे ज्यादा की अपेक्षा मत करना, नहीं तो पंजाबी और बंगाली भी सुनने को मिल सकती है। हमसे कोई पूछे केम छो, हम कहते अमी मजा मा छो। परमानंद हो रहा है, आप हम सब लोग वृंदावन रस चर्चा का भाव श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीधाम वृंदावन युगल स्वरूप उपासकों के लिए राजधानी है। वैकुंठ की तुलना भी श्रीधाम वृंदावन के आगे करी जाए तो वैकुंठ की भी कोई तुलना वृंदावन के आगे नहीं हो सकती है, ऐसा श्रीधाम वृंदावन हमारा विराजमान ठाकुर जी ने उसको किया है। वृंदावन में चतुर्व्यूह विद्यमान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चतुर्व्यूह नारायण के ही प्रकट हुए चार भाइयों के रूप में, ऐसी श्रीधाम वृंदावन भी चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है। पहला रज, वृंदावन की जो रज है वह ठाकुर जी के ही समान है, बिल्कुल उसमें कोई अंतर भेद नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में चारों भाइयों का नाम ले रहा हूं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, क्योंकि चारों नारायण के अवतार हैं, उनमें भेद नहीं है। ठीक वैसे ही श्री वृंदावन भी चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है, जिसमें प्रथम है रज, दूसरा वृंदावन के वृक्ष लता गुल्म पत्र, ये साधारण नहीं है, सब युगल हो चुके हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत का भाव प्रस्तुत किया और वहां भी कहते हैं, कल भी परसों भी इस भाव का चिंतन हुआ था, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चत घनताम उपैति। अरे मानव की नहीं कही जा रही है बात कि मानव प्रवेश करके युगल हो जाता है, यहां तो कह रहे हैं यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, एक छोटा सा कीड़ा भी यदि वृंदावन की सीमा के अंदर है वह भी पूजनीय है, वह भी वंदनीय है, वह भी प्रणम्य है, उसको भी प्रणाम करो। हमारे हरिराम व्यास जी तो वृंदावन के वृक्षों को ही प्रणाम करते थे, वृक्षों में ही श्री युगल स्वरूप का दर्शन करते थे, उन्हीं को ही वंदन, उन्हीं को ही नमन करते थे, उसी से ही युगल उपासना अपनी सिद्ध पुष्ट करते थे। तो चतुर्व्यूह में पहले तो रज, दूसरे वृक्ष, तीसरी श्री यमुना जी, वृंदावन में श्री यमुना जी कोई नदी नहीं है। सूरदास जी से पूछा गया, बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, सूरदास जी बोले सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा। किसी ने कहा आप ब्रज के उपासक हो, आपको यमुना बोलना चाहिए था, आप गंगा क्यों बोल रहे हो? सूरदास जी बोले आपने नदियों के बारे में पूछा तो नदियों में तो गंगा श्रेष्ठ है, और बात जब यमुना की है तो यमुना नदी नहीं है, यमुना हमारी महारानी है, और यमुना का जल जल नहीं है, वो तो अमृत है। नदियों की बात करोगे तो गंगा प्रधान है, लेकिन यमुना नदी नहीं है, वो तो हमारी पटरानी है, हमारी महारानी है, वो नदी थोड़ी है। तो चतुर्व्यूह में तीसरा स्वरूप है श्री यमुना जी, और वृंदावन चतुर्व्यूह का चतुर्थ स्वरूप है श्री वृंदावन स्वयं, वृंदावन स्वयं धाम। वृंदावन मतलब श्री राधा कृष्ण, वहां जाके राधा रमण जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन
बिहारी जी दर्शन आदि आदि मंदिरों में दर्शन, ये एक प्रकार से अति है हमारी कि हम जा रहे हैं, जरूरत नहीं है। बात वही है ना, हवा तो सब जगह, फिर भी पंखा लगाए हैं ताकि अनुभव हो। ऐसे ही वृंदावन तो जो है वो स्वयं ही युगल है, वहां प्रवेश होना मात्र ही ठाकुर जी का अनुभव मात्र है। लेकिन हम लोग इतने माया के जंजाल में फंसे, हमको वृंदावन का वो रूप दिखता नहीं है। हमारे श्री जी महाराज जो निम्बार्क पीठाधीश्वर, जो पूर्व श्री जी महाराज विराजमान थे गद्दी पर, उनका तो नियम था, वो जब वृंदावन आते थे तो सीमा जहां वृंदावन की प्रारंभ होती वहीं अपनी गाड़ी को, वाहन को रोकते, उतरते, सबसे पहले अपनी पादुका उतारते, उसके बाद नतमस्तक होके वहीं से सीमा को ही प्रणाम करते और जितने दिन वृंदावन में रहते बिना पादुका के ही विराजते। और वृंदावन में प्रवेश करते ही नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगती। वृंदावन स्वयं युगल है। जिस प्रकार अग्नि में आम डाल दो, अग्नि में आप लकड़ी डालो, अग्नि में सामग्री डालो, अग्नि में स्वर्ण डालो, अग्नि में चांदी डालो, सबको अग्नि स्वरूप बना देती, ऐसे ही हमारा वृंदावन है। वृंदावन में कोई प्रवेश कर जाए सब युगल हो जाते, चाहे वो जड़ आ जाए, चैतन्य आ जाए, कोई पामर आ जाए, कोई महापापी आ जाए, कोई छोटा जीव जंतु आ जाए, कोई कीट पतंगा आ जाए। हमारे यहाँ तो भैया एक सेठ जी गए और देखा कि भैया दुकान पर हलवाई के यहाँ पर मिठाइयों पे मक्खियां बैठी थी, तो सेठ जी बोलने लगे, अरे यार नेक सफाई रखा करो, मक्खियों को उड़ाते रहा करो। तो हलवाई बोलो, अरे सेठ तो को ये साफ सफाई देखनी है, दिल्ली में खइयो जाके, ये वृंदावन है और ये वृंदावन में ये पेड़ान पे बैठी मक्खी मक्खी ना आए, ये श्री किशोरी जी की सखी है सबरी, और इस सखी भाव में आके यहां प्रसाद पा रही हैं, भोग लगा रही हैं। वृंदावन में सब प्रणम्य है, जैसे अग्नि सबको अग्नि बनाती है, ऐसे वृंदावन सबको वृंदावन बनाता है। हमारी एक बात मानिएगा, कभी गांधी धाम से कोई वृंदावन जावे और लौट के आवे, टूट पड़ियो वाके चरणन पे, पकड़ लियो चरणन को, जय हो भैया वृंदावन ते आयो, गारी देनी है तो को, लेकिन कल देंगे, आज नहीं, आज तो तू वृंदावन से आया है ना, तो उससे पैसे तो लेने, हमको उधार जो लेके गया था, लेकिन वो कल लेंगे, आज तो तुझको प्रणाम करेंगे क्योंकि तू वृंदावन से आया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन सच्चा धन है। अरे आपके द्वारिकाधीश, इनको पता थी कि मुझे ब्रज से आगे जाना है लीला करने के लिए, और उस लीला में मेरे साथ कोई ब्रजवासी नहीं जाने वाला है। तभी दृष्टि पड़ी उद्धव पर, बोले ये जाएगा साथ में, वो ये संग रहेगा, संग खाएगा, संग सब क्रिया करेगा, लेकिन यह भी अगर ज्ञान की गंध इसमें से आई, बृहस्पति का शिष्य है, वृष्णियों का मंत्री है, अगर यही गंध इसमें से आई तो मुझे आनंद नहीं आएगा, इसमें से ब्रज की सुगंध आवे, उसके लिए भेज दिया उद्धव को, जाओ वृंदावन। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव तुम जाओ। उद्धव बोले सुबह जाऊंगा, शाम तक तो आ जाऊंगा मैं, ऐसा ज्ञान पढ़ा करके आऊंगा ब्रजवासियों को, भूल जाएंगे आपको। भगवान बोले तू चला जा बस। उद्धव जैसे ही गए वृंदावन, 6 महीना कहां बीत गए पता नहीं चला। उधो सुधो है चलो, हमारे ब्रज में कहते हैं उधो सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, वहां प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जितना ज्ञानी बन के गया था, सबरी ज्ञान की डुमडुमी बज गई, प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी सुनाई नहीं देती है। और जब वह उद्धव प्रेम युक्त होकर के आया, वृंदावन रस बीथियों की सुगंध को अपने में समेट के आया, तब ठाकुर जी ने मथुरा का त्याग किया। हाँ, अब मेरे साथ एक वृंदावन है, अब द्वारिका में मन लग जाएगा मेरा। उद्धव है और ये गोपियों का आश्रित होके आया है, इसलिए अब मैं संभव है कि मेरा, मुझे वृंदावन स्मृति रहेगी तो आनंद रहेगा। वृंदावन को संत स्मरण करें, वृंदावन को हम स्मरण करें, अरे कहां तक कहें, द्वारिकाधीश स्वयं स्मरण करते हैं वृंदावन को। वृंदावन साधारण नहीं है,
श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहने वालों का परिचय देते हैं। बहुत ध्यान से सुने भैरवी, श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं। हम कौन हैं? वैसे तो एक पद बड़ा प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन का, श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, एक बार आप प्रयाग जाओगे उससे जो फल मिलेगा, वृंदावन में एक पग आगे रखने मात्र से उतना फल मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी, वृंदावन में एक नहीं करोड़ों काशियों के भ्रमण के समान फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार वसत जहां, ब्रजवासियों के यहां अगर ब्रजवासी के घर के द्वार के आगे आपने प्रणाम कर लिया तो समझना हरिद्वार को प्रणाम कर लिया। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, रेणुका में जगन्नाथ, तरु तरु पर पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन साधारण नहीं है। हरिनाम व्यास जी परिचय देते हैं वृंदावन रसिकों का, कौन है वृंदावन वासी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर पद है। श्री हरिनाम व्यास जी कहते हैं, रसिक, हमारे वृंदावन में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, सब कौन होते हैं, रसिक होते हैं। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, गाओ, रसिक वृंदावन में आते ही सबसे पहले वहां की रज को प्रणाम करो, सिर पर ब्रज रज का तिलक लगाओ। दूसरा, जितने भी वृक्षावली दिखे सबको प्रणाम करो, ये सब ऋषि हैं, वृंदावन में वृक्ष नहीं है, सब ऋषि महापुरुष गोपियां हैं, सब उनको प्रणाम करो। तीसरा, वृंदावन के ब्रजवासियों को प्रणाम करो, ब्रजवासी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। ठाकुर जी जगन्नाथ जी ऐसे क्यों खड़े रहते हैं, वो अपनी दोनों भुजाएं खोल करके खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो मेरे छाती से लगा देना, इसलिए हमेशा ऑफर करते हैं गले लगाने के लिए। तो उन ब्रजवासियों से जब मिलो तो गले लगाओ। तो पहला रज को प्रणाम, दूसरा वृक्षवल्लरियों को प्रणाम, तीसरा ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथा यमुना जी को प्रणाम। वृंदावन वालों की कुलदेवी कौन है, राधा रानी है, हम और किसी को नहीं जानते, सबको प्रणाम, लेकिन हमारी अधिष्ठात्री हमारी सर्वस्व तो श्री किशोरी जी, और हमारी कुलदेवी कहाँ विराजती हैं, श्री बरसाना में विराजती हैं। हम रसिक हैं और अनन्य रसिक हमारी जाति है, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। गोत गोपाल जनेऊ